नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस होम डिज़ाइनर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए डेली नए नए अलग अलग साइज़ के हाउस प्लान लाते रहते हैं। तो आज का हमारा जो प्लान होने वाला है, वास्तु के अनुसार नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान आपको देखने को मिलता है, जिसकी आपको साइज मिलती है 20 फीट बाय 30 फीट का। यह आपका 3 BHK का यानी 3 बेडरूम आपको इसमें देखने को मिलता है, ओनली 600 स्क्वायर फीट में। किस तरीके से हमने 3 बेडरूम का यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया है, आज हम इसी प्लान को आपसे डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि किस तरीके से हमने इस प्लान को 3 बेडरूम के साथ डिज़ाइन किया है, इतने कम स्पेस में, ओनली 600 स्क्वायर फीट में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी जितनी भी वॉल है, वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल, इसमें आपकी सारी 5 इंच की वॉल मिलती है। इसका जो टोटल एरिया है 600 स्क्वायर फीट में आपको 3 बेडरूम देखने को मिलता है। और ये हमारा उत्तरी मुखी नॉर्थ फेस का हाउस प्लान है। वास्तु के अनुसार इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसमें हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा, कॉलम की साइज़ क्या होगी, और इस ग्राउंड फ्लोर की अगर हम लागत की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे कि आपका ये कितने लाख में या घर, 600 स्क्वायर फीट का या घर 3D में बनकर रेडी हो जाएगा। तो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्थ फेस से यहाँ पर आपको गेट मिलता है, 4 फीट का यहाँ पर आपका गेट है। इस गेट से होते हुए पहुँचते हैं आप अपने गैलरी वाली जगह पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है गैलरी, 4 फीट की यहाँ पर आपकी है गैलरी। यहाँ पर आपको 4 फीट की गैलरी मिलती है। फिर इस गैलरी से अगर हम सबसे पहले इस वाले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सबसे पहला वाला बेडरूम। तो यहीं पर ही आपको सबसे पहले इस गैलरी से एक डोर मिलता है। इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने फर्स्ट वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको पहला बेडरूम जो देखने को मिलता है, इसकी आपको साइज़ मिलती है 9 फीट 9 इंच सामने वाली साइज़ आपको मिलती है। और इसकी जो लेंथ यानी जो लंबाई आपको मिलती है, ये 9 फीट है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको एक फ्रंट में विंडो भी देखने को मिलती है, ताकि हमारे इस बेडरूम का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। फिर दोस्तों, इसी गैलरी से आपको यहाँ पर एक और डोर मिलता है। तो इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने टॉयलेट प्लस बाथरूम वाली जगह पर। इसमें हमारा दोनों अटैच है, टॉयलेट एंड बाथरूम सारे मेंबर के यूज़ के लिए। तो इसकी आपको जो साइज़ मिलती है, ये आपको 4 फीट बाई 8 फीट में अटैच वॉशरूम मिलता है। 4 फीट सामने वाली साइज़ है और 8 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर आपका 4 फीट बाई 8 फीट में अटैच वॉशरूम है। और इस वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको वेस्ट फेस की तरफ एक विंडो भी देखने को मिलती है, ताकि इस वॉशरूम का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। फिर उसके बाद फिर दोस्तों, इधर से होते हुए पहुँचते हैं हम अपने सिटिंग हॉल वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मिलता है सिटिंग हॉल देखने को मिलता है। तो इस सिटिंग हॉल की आपको जो साइज़ मिलती है, ये आपको मिलती है 9 फीट 9 फीट, आपको ये सामने वाली साइज़ मिलती है 9 फीट। और इसकी जो लेंथ यानी जो आपको लंबाई मिलती है, ये वाली पूरी साइज़, ये आपको मिलती है 14 फीट। तो यहाँ पर 9 फीट बाई 14 फीट में आपका सिटिंग हॉल है। और इसी सिटिंग हॉल में एक तरफ से हमने स्टे भी डिज़ाइन किए, देख सकते हैं। यहाँ से हम अप होते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 3 फीट की। फिर यहाँ से होते हुए हमको दूसरी लैंडिंग 3 फीट बाई 3 फीट की मिलती है। फिर यहाँ से होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने टेरिस पर। तो इसी सिटिंग हॉल में एक तरफ से हमारी स्टेयर भी हो जाएगी। और जो तो ये जो हमने स्टेयर डिज़ाइन की है दोस्तों, ये स्टेयर हमने डिज़ाइन की है 6 फीट बाई 14 फीट में। यहाँ पर हमारी स्टेयर है, 6 फीट हमको ये साइज मिलती है और 14 फीट हमको ये लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर हमारी हमारी स्टेयर है, कुछ यू शेप में हमारी स्टेयर है। और इसी स्टेयर के नीचे यहाँ पर हमारा सीटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह लग जाएगा। और यहाँ पर हमने एक विंडो भी रखी है, ताकि हमारे सिटिंग हॉल का भी वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड, इसी सिटिंग हॉल से अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं, तो इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने सेकंड वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको मिलता है सेकंड बेडरूम। तो इस बेडरूम की आपको जो साइज़ मिलती है, ये सामने वाली साइज़ मिलती है 9 फीट 9 इंच सामने वाली साइज़ मिलती है। और इसकी जो लेंथ यानी जो आपको लंबाई मिलती है, 9 फीट 4 इंच मिलती है। तो यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक विंडो रखी है ईस्ट फेस की तरफ, ताकि इस बेडरूम का हमारा अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। फिर दोस्तों, अगर हम इसी सिटी हॉल से बात करते हैं, इस वाले डोर की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको थर्ड बेडरूम देखने को मिलता है। थर्ड यानी ये आपका तीसरा बेडरूम है। तो इस बेडरूम की आपको जो साइज़ मिलती है, ये आपको मिलती है
9 फीट 9 इंच सामने वाली ये आपको साइज़ देखने को मिलती है, और इसकी जो लेंथ यानी जो आपको लंबाई मिलती है 10 फीट है। तो यहाँ पर आपका थर्ड बेडरूम है, और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक विंडो भी रखी है ताकि इस बेडरूम का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड अगर लास्ट डोर हम इस वाले डोर की बात करते हैं इसी सिटिंग हॉल से, तो यहाँ पर आपको मिलता है किचन। काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है। तो इस किचन की आपको जो साइज़ मिलती है ये मिलती है 6 फीट बाई 9 फीट में यहाँ पर आपका किचन देखने को मिलता है। 9 फीट आपको ये सामने वाली साइज़ मिलती है और 6 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो 6 फीट 9 फीट में काफ़ी बड़े स्पेस में यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है। और इस किचन के लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक विंडो भी रखी है ताकि इस किचन का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ओनली 600 स्क्वायर फीट में देख सकते हैं बेहतरीन सा 3 बेडरूम का हाउस प्लान था बहुत ही कम स्पेस में। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना घर का नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं 20 फीट बाई 30 फीट का, यदि आपको कोई हाउस प्लॉट होगा बेहतरीन सा। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, सिटिंग हॉल भी देखने को मिल जाता है, स्टेयर भी आपकी आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर आपको गैलरी भी 4 फीट की मिलती है, और किस तरीके से 3 बेडरूम देखने को मिलता है इतने कम जगह में। तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा कितना कॉलम कहाँ 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 पे आएगा, कॉलम की साइज़ क्या होगी, सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गया हमारा लास्ट 14। तो दोस्तों इसमें हमारा जो टोटल कॉलम हो गया ये हमारा 14 कॉलम हो गया, और इसमें हमको जो सारा कॉलम मिलता है वो हमारा सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान 10 से 11 लाख में 3D में बनकर रेडी हो जाएगा। तो किस तरीके से हमने 600 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम का हाउस प्लान डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड हम आपके लिए डेली अलग अलग साइज़ के छोटे बड़े हाउस प्लान लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।